मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान को भी हम क्या फाइनल में जाते हुए देखेंगे क्या? ये होगा नाजरीन, ये तो होगा। पहले उनके कैंप्स जो थे वो पाकिस्तान में लगते थे, ठीक है, लेकिन जब से वो इंडिया शिफ्ट हुए हैं तो उनकी जो क्रिकेट है वो अपग्रेड हुई है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एज वी नो कि उनकी क्रिकेट हिस्ट्री को खास नहीं है, रिसेंटली को 10-15 सालों में उनकी टीम बनाई गई है और उनमें पोटेंशियल था, सिर्फ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी थी जो कि आईपीएल के जरिए उनकी पूरी हुई है। अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के सीईओ ने अभी रिसेंटली बताया टीवी चैनल पर कि जब हम पिछले साल वर्ल्ड कप खेलने गए थे हिंदुस्तान, तो जब हम बिल पे करते थे वहां पर होटल पे या कहीं पे जब हम होते थे तो वो हमसे कहते थे कि नहीं भाई, आपका बिल जो है अजय जडेजा सर ने जो है पे कर दिया है, तो वो हमें मना करते थे। तो अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के सीईओ ने बताया कि हम बड़ी मिन्नतें करते थे कि नहीं सर, हम पैसे दे रहे हैं या हम अपना बिल भर रहे हैं, तो वो हमें कहते थे कि पैसे भरने की जरूरत नहीं है, तुम लोग अच्छा क्रिकेट खेलो। बताइए ये कितना प्यार है। जब से अफगानिस्तान के कैंप इंडिया के अंदर मुंतकिल हुए हैं और इंडिया के जो कोच हैं जो उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, अजय जडेजा सर जो हैं, उन्होंने ये बोला है कि मैंने इतने शानदार लोग नहीं देखे जिस तरह से वो चीज़ को पिक करते हैं और इतने कम टाइम में जिस तरह से अफगान क्रिकेट दुनिया के सामने आई है, मेरा नहीं ख्याल किसी भी मुल्क की क्रिकेट ने इतने कम टाइम में इंटरनेशनल इतने बड़े रिकॉर्ड बनाए हो। तो इंडिया की जानिब से मिली गई ट्रेनिंग और फ्री ट्रेनिंग में आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा इंडिया का हाथ है अफगानिस्तान को इतनी बड़ी टीम बनाने में? नहीं, कंट्रोवर्सीज अपनी जगह, लेकिन क्रिकेट की जब बात करते हैं तो जितना भी पार्टिसिपेट किया जाए वो अच्छा है। इंडिया ने किया तो वो भी अप्रिशिएबल है। पाकिस्तान में जब कैंप्स लेते थे तो आपने देखा होगा, क्योंकि पाकिस्तान का बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा है, तो आपने देखा होगा कि पिछले चार पाँच साल पहले बैटिंग यूनिट इनका अच्छा नहीं था, बॉलिंग यूनिट अच्छा था। और सल्यूट गोज़ टू पाकिस्तान। जो बैटिंग की उनकी कमी थी वो अजय सर सही कह रहे हैं, अजय जडेजा सर, कि उनकी जो बैटिंग ट्रेनिंग है वो इंडिया में हुई है और इंडिया माना जाता है बैटिंग के लिहाज से, तो जो उनका बैटिंग में न्यू वर्जन आया है उसकी वजह से उनकी टीम में जो एक कॉम्पैक्ट बनी है उस वजह से वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनमें स्किल पावर है और मेरा ख्याल है कि वो टफ कंपटीशन देंगे। अजय जडेजा सर की तरफ से इतना प्यार दोस्तों, ये वीडियो सुनने के बाद अफगानिस्तान का बच्चा बच्चा, अफगानिस्तान का एक एक बंदा जो है वो कायल हो चुका है अजय जडेजा सर के लिए। काफी दफा हमें यह मिला है कि हिंदुस्तान की तरफ से जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो लेजेंड लोग हैं, जो क्रिकेट के जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो अभी फिलहाल नहीं खेलते या हेड कोच है या पीछे बैठे हुए हैं या क्रिकेट बोर्ड के अंदर है, बीसीसीआई के अंदर, उनका काफी दफा हमें प्यार दिखाने को मिला है अफगानिस्तान के लिए। और ये बात तो दोस्तों छुपी छुपाई नहीं है कि अफगान क्रिकेट जिस तरह से इंप्रूव हुई है, पहले बांग्लादेश को हराया, उसके बाद फिर आप देखें ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया भी बेहतर से बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है और दोनों ही आपस में भाई भाई हैं। ज्यादा चांस यही लग रहे हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान आमने सामने आ सकती हैं। बाकी ये T20 गेम है, कुछ भी पता नहीं चलता, कोई भी प्लेयर जो उस दिन अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो दूसरी टीम को ढेर कर सकता है, बिल्कुल हाँ। और इसी तरह फिर उस दिन जोन सी भी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी वो कप लेके जा सकती है। जब भी अफगानिस्तान इंडिया के सामने परफॉर्म करता है, अफगानिस्तान जैसे ये लास्ट मैच भी इंडिया से हारा था तो पाकिस्तान से कह रहे थे भाई इंडियन रुपी की खातिर जो अफगानी है वो इंडिया से हार जाते हैं या फिर इंडिया के एहसानात इतने ज्यादा है इन अफगानियों पर कि ये हार जाते हैं। इस तरह के गलत स्टेटमेंट किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी टीम के लिए कोट करना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी मेहनत को जाया करने वाली बात है। अफगान टीम जिस तरह से मेहनत करिए, राशिद खान की कैप्टेंसी में जिस तरह हमने मैच देखा बांग्लादेश का, 4 विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी राशिद खान ने ली। अगर राशिद, जैसे राशिद खान कहते हैं जब तक मैं वर्ल्ड कप नहीं लेके आऊंगा मैं शादी भी नहीं करूंगा, तो ये वर्ल्ड कप तो नहीं है क्या? तो फिर उसके लिए तो बनता है ना ये कप भी जीतना, उसने शादी भी करवानी है। नो डाउट इंडिया टफ टीम है, लेकिन अफगानी भी जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं लास्ट कुछ ईयर से, हमें भी पता है, हमें भी उन्होंने लास्ट कप में भी और लास्ट मैचेस में हमें भी उन्होंने टफ कंपटीशन दिया है। हाँ। देखिए टूर्नामेंट का एक ड्यूटी यही होती है। हाँ। कि अपसेट्स हों, मज़ा आए गेम का। पाकिस्तान का तो पूरी कौम को पहले से ही पता था कि पाकिस्तान कितना पानी में है और ये प्रैक्टिस नहीं करते पाकिस्तानी, खाते पीते रहते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, ये कोक की मशहूरियां देते हैं, कभी टोपियां पहन के मशहूरियां देते हैं, क्या क्या चीज? एक्चुअली ये मुल्क के लिए नहीं खेलते, एग्री। हाँ, ये अपनी तो, अपनी ये अपनी अपना खेलते हैं। ये अगर मुल्क के लिए खेलें तो मेरा नहीं ख्याल से कि इस तरह के ब्लंडर्स मारें। जो लोग मुल्क के लिए खेलते हैं वो जान मारते नजर आते हैं आपको, अफगान को देख लें, आप साउथ अफ्रीका को देख लें,
जो भी टीम जो आप यूएसए को देख लें, पहली दफा वो खेलने के लिए आई है, कैसा अच्छा खेली है, लोग जो मुल्क के लिए खेलते हैं वो जान मारते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से प्यार अफगानिस्तान की मीडिया पर हिंदुस्तान के लिए रिस्पेक्ट, और जिस तरीके से हिंदुस्तान के दिलों में हिंदुस्तान की मीडिया पर अफगानिस्तान के लिए प्यार, तो ये अनबिलीवेबल। और इस चीज को देखकर बहुत सारे देश तो नहीं बोल सकता, एक हाथ देश जो है उनको काफी ज्यादा बुरा लगता है, और जितना उनको बुरा लगेगा उतना ये प्यार बढ़ेगा। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। अफगानिस्तान की टीम ने इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में शानदार प्रदर्शन किया है और बड़ी बड़ी टीमों का कप जीतने का सपना तोड़ दिया है। ये पहला मौका है जब अफगान टीम T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलेगी। इसका पूरा का पूरा श्रेय अफगान खिलाड़ियों को जाता है, जिस तरह से वो मैदान में जुनून के साथ उतरते हैं। अफगानिस्तान टीम को यहाँ तक पहुँचाने में इंडिया का भी बहुत योगदान रहा है, और इसीलिए तालिबान के पॉलिटिकल हेड मोहम्मद सोहेल शाहीन ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया है। अफगानिस्तान में कोई क्रिकेट स्टेडियम ना होने की वजह से बीसीसीआई ने अफगान खिलाड़ियों को ग्रेटर नोएडा में शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एज अ होम ग्राउंड मुहैया कराया है। इसके अलावा देहरादून में भी अफगानिस्तान के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं। अजय जडेजा जैसे इंडिया के पूर्व खिलाड़ियों का भी अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में अहम योगदान रहा है। साथ ही इंडियन कंपनियों ने अफगान खिलाड़ियों को स्पॉन्सरशिप दी हुई है। अभी अफगानिस्तान के कंदान में जो पहला क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, उसमें भी इंडिया ने अफगानिस्तान को $1 मिलियन की मदद की है। इसके अलावा अफगानिस्तान की टीम को वर्ल्ड क्लास बनाने में इंडियन प्रीमियर लीग IPL का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान जैसे अफगानिस्तान के खिलाड़ी इंडिया में भी घरेलू नाम बन चुके हैं, और इन खिलाड़ियों के जीत का जश्न अफगानिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी मनाया जाता है। अफगानिस्तान ने इंडिया को छोड़कर अब तक बाकी सभी टीमों को हराया है, लेकिन आज तक अफगानिस्तान की टीम इंडिया को हरा नहीं पाई है, और ये इसलिए नहीं है कि इंडिया के एहसानों की वजह से अफगान टीम जानबूझकर हार जाती है। अफगानिस्तान टीम इसलिए इंडिया के सामने हार जाती है क्योंकि उस दिन इंडिया अच्छा खेलता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब अफगान टीम इंडिया को भी हरा देगी। लेकिन इंडियन फैंस से प्रार्थना करेंगे कि वो दिन इस T20 वर्ल्ड कप में तो ना आए। अफगान टीम जब भी इंडिया के खिलाफ हार जाती है तो पाकिस्तानी भी यही ताना मारते हैं। तो क्या पाकिस्तान यूएसए के खिलाफ इसलिए हारा था ताकि IMF से पाकिस्तान को कर्ज की भीख मिले? पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो डॉलर्स के लिए किसी के भी आगे लेट सकता है, डॉलर्स के लिए ये खुद को भी बेच सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।